Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Friends, पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताया था और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। और आज की क्लास में हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आने वाले इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव मीन्स किसी भी सेंटेंस में जब दो वर्ब आते हैं, दो वर्ब, तो हम एक पहले वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद टू लगाते हैं, फिर सेकेंड वर्ब को लिखते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू प्लस वर्ब मीन्स इन्फिनिटिव। ठीक है फ्रेंड, तो हम आज इसी तरह के सेंटेंसेस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कम मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन्फिनिटिव, जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, जब सेंटेंस में दो वर्ब हो तो हम कैसे बनाते हैं? मैं वहाँ खेलने जाता हूँ, तो जाना और खेलना दो वर्ब हो गया, तो दो वर्ब होने के बाद आई गो टू प्ले देयर। मेन वर्ब, जो लास्ट में जो वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको हम लिखेंगे पहले, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर सेकेंड वर्ब लगाएंगे। तो आई गो टू प्ले देयर। वो नाचने आता है, ही कम्स, आता है और नाचने, दो वर्ब है, तो आना और नाचना दो वर्ब हो गए। तो सबसे पहले हम जो मेन वर्ब है, यहाँ पे लास्ट में जो आता है मेन वर्ब, जिसमें ताते ती आ रहा है, वो मेन वर्ब है, तो ही कम्स उसको पहले लिखेंगे हम। ही कम्स टू डांस। वे लोग जीतने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कोशिश करना और जीतना दो वर्ब हो गया। तो इसमें मेन वर्ब क्या हुआ, ये जो बाद में है, कोशिश करना, तो दे डोंट ट्राई टू विन। वही है सब फार्मूला, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और सारे फार्मूला वही रहेंगे जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई अलग तरह के सेंटेंसेस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही मैं इन्फिनिटिव बता रहा हूँ। ओके, क्या तुम्हारा भाई खेलने जाता है? तो भाई है, एक की बात कर रहे हैं, इसके लिए डज योर ब्रदर टू प्ले, डज योर ब्रदर गो टू प्ले। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। सिंपल है फ्रेंड, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप दो वर्ब आए, इसमें किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आता है तो हम मेन वर्ब लिखने के बाद उसके बाद टू लिखते हैं, फिर सेकेंड वर्ब को लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो मैं इसी में इन्फिनिटी में ही और एक तरह का सेंटेंसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। यूज ऑफ हाउ टू, जब सेंटेंस का मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है वो सीखना या जानना हो और उसमें दूसरा वर्ब भी हो, तो जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, या इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें दो वर्ब हो गए, जानना, तो मैंने लिखा है किसी भी सेंटेंस के अंत में जो उसका मेन वर्ब होता है, जानना सीखना, ऐसा रहे जानना और सीखना, और उसमें डबल वर्ब यानी दूसरा वर्ब भी रहे,
तो हम उसको हाउ टू से बनाते हैं। कैसे, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ तो आई नो, फिर हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वह खेलना नहीं सीखता है तो ही डजंट लर्न हाउ टू प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम हाउ टू लगाते हैं, मीन्स इसको लोग सिर्फ बोलचाल में, मतलब लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो सिर्फ टू लगा कर भी काम चला लेते हैं, चलता है, बट ये सही तरीका है, हाउ टू लगा कर बनाने से सही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको लिख लो अच्छी तरह से। तो फिर चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस पर नज़र डालते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है, माय ब्रदर वांट्स टू मीट यू, वे लोग अंदर आना चाहते हैं, दे वांट टू कम इन, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक टू टॉक टू यू, वह मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता है, ही डजंट लाइक टू प्ले विद मी, क्या तुम्हारे भाई को तैरना आता है, मीन्स क्या तुम्हारा भाई तैरना जानता है, डज योर ब्रदर नो हाउ टू स्विम, क्या वे लोग वहाँ खेलने जाते हैं, डू दे गो देयर टू प्ले या डू दे गो टू प्ले देयर, क्या तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, डज योर फादर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक, मैं तैरना नहीं सीखता हूँ, आई डोंट लर्न हाउ टू स्विम, वह परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करता है, ही डजंट ट्राई टू पास द एग्जाम, वह मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, ही डजंट लाइक टू टॉक टू मी, क्या तुम्हें साइकिल चलाने आती है, डू यू नो हाउ टू राइड साइकिल, क्या तुम्हारे पिताजी को ड्राइविंग करने आता है, मीन्स क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाना जानते हैं, डज योर फादर नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करता है, डज ही नॉट लाइक या डजंट ही लाइक टू टॉक टू यू, तुम मेरे साथ खेलना पसंद क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू लाइक टू प्ले विद मी, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का क्लास, और फ्रेंड्स मैं आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो बिना मिस किए बगैर हमारा हर क्लास अटेंड कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।